देश भर के करोड़ों सहकारिता के कार्यकर्ताओं के ओर से, सहकारिता की नेताओं की ओर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। और मेरी ओर से एक विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी रुचि का जो विषय है, देश में सबसे पहला सहकारी मंत्री बनने का मौका उन्होंने मुझे दिया है, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। आज यहां जब हम खड़े हैं और एक नई शुरुआत सहकारिता आंदोलन को बल देने की, गति देने की, दिशा देने की शुरू होने जा रही, उस वक्त मैं इतना कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का स्थापना किया है, तब मैं सहकारिता मंत्री के नाते देश भर के सहकारिता के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि निग्लेक्शन का टाइम समाप्त हुआ है, प्रायोरिटी का टाइम शुरू हुआ है, आइए सब साथ में रहकर सहकारिता को आगे बढ़ाएं। देश के विकास के अंदर सहकारिता बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, देश के विकास के अंदर सहकारिता का योगदान आज भी है, मगर बहुत सारे आयामों के अंदर, आयामों तक हमें पहुंचना बाकी है। हमने इसको नए सिरे से सोचना पड़ेगा, नए सिरे से रेखांकित करना पड़ेगा, हमारे काम का दायरा बढ़ाने पड़ेगा, काम के अंदर शिस्त लानी पड़ेगी, काम के अंदर पारदर्शिता भी लानी पड़ेगी, और काम के अंदर सहकारिता की भावना को स्वभाव की तरह, संस्कार की तरह घुल मिलकर सहकारिता के आंदोलन को आगे बढ़ें। देश के करोड़ों किसान, वंचित, पिछड़े, दलित, गरीब, उपेक्षित महिलाएं, उनको विकास का मार्ग केवल और केवल सहकारिता के माध्यम से ही प्रशस्त हो सकता है, और कोई मार्ग नहीं है। कई लोग सहकारिता की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते, उनको लगता है कि सहकारिता आंदोलन इरिलेवेंट हो गया है। मैं बहुत मन से और बहुत मक्कमता के साथ कहना चाहता हूं कि सहकारिता आंदोलन सबसे ज्यादा प्रासंगिक कभी था तो अभी है, और बहुत बड़ी मंजिल अभी काटना बाकी है। हर गांव में कोऑपरेटिव के साथ जोड़कर सहकार से समृद्धि, ये मंत्र से हर गांव को समृद्ध बनाना और समृद्ध गांव के संपुट से देश को समृद्ध बनाना, यही सहकारी आंदोलन की भूमिका होती। सहकारिता शब्द सह और कार्य, ये दो शब्दों से बना हुआ है, मिलजुल कर एक लक्ष्य के साथ भातृभाव से एक दिशा में काम करना ही सहकारिता है। और हम, हो सकता है, मैं हमेशा कहता हूं, हो सकता है कि देश के करोड़ों लोगों की, हम सब कोऑपरेटिव क्षेत्र में काम करने वालों की ताकत बहुत कम होगी, आर्थिक ताकत भी शायद हमारी कम होगी, मगर हमारी संख्या इतनी बड़ी है, अगर इसको एक बार कोऑपरेटिव के माध्यम से हम इकट्ठा करते हैं तो एक प्रचंड ताकत की निर्मिति होती है जिसको कोई हरा नहीं सकता। और ये भी आत्मविश्वास के साथ सहकारिता आंदोलन ने एक नई शुरुआत करने का समय आ गया है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया है सहकार से समृद्धि का, और उन्होंने जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, मैं आज मोदी जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र भी आपके $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। और मित्रों, हमारी जो सहकारिता से ताकत बनती है, वो ताकत देश को समृद्ध करने की दिशा में आएगी, इसका मुझे विश्वास है। सहकारिता आंदोलन भारत के ग्रामीण समाज की प्रगति भी करेगा और एक नई सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट भी खड़ा करेगा। पूंजी के दुनिया भर में कई व्याख्याएं हैं, मगर हम 10,000 साल से जीने वाले लोग हैं, 10,000 साल की संस्कृति का वहन करने वाले लोग हैं। सामाजिक पूंजी का कंसेप्ट, सामाजिक पूंजी का विचार और सामाजिक पूंजी का संस्कार हमारे सहकारिता आंदोलन को बहुत आगे ले जाएगा। कई देशों के अंदर सहकारिता कानून से अस्तित्व में आती है, कई देशों के अंदर सहकारिता छोटी छोटी पैक्स और बाकी सहकारी समितियों के संविधान से अस्तित्व में आती है। भारत में ये व्यवस्था के लिए जरूरी है, भारत की जनता के स्वभाव में
सहकारिता घुल मिल गई है, इसके संस्कार के अंदर सहकारिता है, ये कोई उधार लिया हुआ कंसेप्ट नहीं है, हमारे स्वतः काम से प्रकट हुआ ये सहकारिता कंसेप्ट है। इसलिए भारत में कभी सहकारिता आंदोलन कभी भी इरिलेवेंट नहीं हो सकता। मित्रों, मैं बहुत समय से लगभग 25 साल से सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हूं, छोटे से छोटी इकाई से लेकर राज्य कक्षा की बड़ी इकाइयों तक मैंने काम किया है। मैंने देखा है कई सारे संकट आते हैं, सरकारें सर्कुलर निकालती है, परिपत्र निकालती हैं, परिपत्र का मॉनिटरिंग करना पड़ता है, मगर हमारे सहकारिता आंदोलन वाले कोई परिपत्र की राह नहीं देखते। बाढ़ आती है तो गांव की पैक्स वहां खड़ी हो जाती है और सबको खाना खिलाने का काम करती है, उनको आसरा देने का काम करती है। कोई डिस्ट्रिक्ट में कोऑपरेटिव बैंक कितना मुनाफा खर्च हो जाएगा इसका चिंता नहीं करता, डिविडेंड कितना कम हो जाएगा इसकी चिंता नहीं करता, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर चाहे अकाल हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे बारिश ज्यादा आई हो, बाढ़ हो, वो काम के लिए एक मुस्त होकर सब खड़े हो जाते हैं। सहकारी आंदोलन ने इस देश को ढेर सारे संकटों में यहाँ पर बाहर निकालने के लिए अपना योगदान दिया है। सहकारिता भारत के लिए नई नहीं है, 1904 से लेकर आज तक भारत ने सहकारिता आंदोलन ने ढेर सारे मकाम देखे, बहुत चढ़ाई ऊंचाई को भी हमने देखा है। कभी हम गिरे, कभी संभले, कभी आगे बढ़े, तेजी से आगे बढ़े, कभी धीरे हुए, परंतु ये गति नहीं रुकी। और मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि ये गति नहीं रुकनी चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सहकारिता आंदोलन को बल देने वाले माधवराव गोडबोले, वैकुंठ भाई मेहता, त्रिभुवन दास पटेल, विठ्ठलराव विखे पाटिल, यशवंतराव चव्हाण, धनंजयराव गाडगिल और लक्ष्मणराव इनामदार जैसे कई लोगों को मैं याद करता हूं और इसको प्रणाम कर उनके आशीर्वाद से यह आंदोलन को एक नई गति देने के लिए हम आगे बढ़े, ऐसी प्रार्थना भी करता हूं। मित्रों, जो लोग आज भी मुझे, कई लोग मिलते हैं, कॉरपोरेट क्षेत्र के लोग भी मिलते हैं, पत्रकार भी मिलते हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी मिलते हैं और साच अर्थ में मुझे पूछते हैं कि सहकारी आंदोलन रिलेवेंट है क्या, उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है क्या, क्या सिद्ध होगा। मैं आज कुछ सहकारी आंदोलन की गुड प्रैक्टिसेस आपके सामने बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं गुजरात से आता हूं, मैं अमूल की बात करना चाहता हूं। अमूल का जन्म सरदार पटेल की दीर्घ दृष्टि से हुआ था। 1946 में अंग्रेजों ने एक फैसला किया कि किसानों ने कंपलसरी फरजियात रूप से अपना सारा दूध एक प्राइवेट कंपनी को देना पड़ेगा। इसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ खेड़ा जिले के अंदर। सरदार पटेल ने त्रिभुवन भाई को कहा कि जब तक आप दूध बेचने की व्यवस्था नहीं करते तब तक दूध का आंदोलन, ये इसके खिलाफ आंदोलन कभी सफल नहीं होता। और वहां एक शुरुआत हुई अमूल की। सरदार पटेल के मार्गदर्शन में त्रिभुवन भाई पटेल ने दो प्राथमिक ग्राम दूध उत्पादक समितियों का पंजीकरण किया जिसमें 80 किसान जुड़े हुए, सिर्फ 80 किसान। और वो अमूल आज कहाँ है, 2020-21 में उसका ग्रुप टर्नओवर 21,000 करोड़ को पार कर गया है मित्र, 53,000 करोड़, 53,000 करोड़ रुपीस उसको पार कर गए। एक दिन में लगभग 30 मिलियन दूध का प्रबंधन ये हमारा कोऑपरेटिव संस्थान करता है। इसके अंदर 36 लाख किसान परिवार जुड़े हुए हैं और विशेषकर महिलाओं को एम्पावर करने का काम किया है। मैंने तो गांव में देखा है, गुजरात में शनिवार को जब महिला के हाथ में अपना चेक आता है या कैश आती है, इसके चेहरे पर हर्ष देखकर मन को बहुत अंदर तक शांति होती। 36 लाख किसान परिवारों को अमूल आज अपने साथ जुड़े हैं। 18 जिलों का ये फेडरेशन है, 87 से ज्यादा डेयरी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाए हैं और उसकी प्रबंधन क्षमता 39 मिलियन तक की प्रबंधन क्षमता आज बनाई, इंस्टॉल कैपेसिटी 39 मिलियन टन दूध को प्रोसेस करने की है। आप कल्पना कर सकते हैं, बड़े से बड़ी
कॉरपोरेट डेयरी जो नहीं कर सकती, ये हमारे अमूल ने कर दिखाया है और मैं मानता हूं यही उदाहरण लेकर हमने आगे बढ़ना चाहिए। लिज्जत पापड़, बहुत कम लोगों को यहां पर भी मालूम होगा, लिज्जत पापड़ कोऑपरेटिव 1959 में जसवंतीबेन पोपट नाम की एक गुजराती महिला साहसिक ने 80 बहनों को साथ में रखकर एक कोऑपरेटिव बनाकर पापड़ बनाने की शुरुआत की थी। 2019 में उनका कारोबार 1600 करोड़ से ज्यादा का कारोबार है और 80 करोड़ निर्यात करती है। 45,000 महिलाएं लिज्जत के कोऑपरेटिव आंदोलन से जुड़ी है और ये सक्सेस स्टोरी देश भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। अमूल और लिज्जत दोनों आज सफल है तो देश की महिलाओं का इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान है, दूध भरने में भी और पापड़ बनाने भी। इप्को जो आज हमारे यजमान है, चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, एमडी अवस्थी भी बैठे हैं, इप्को ने इस देश की हरित क्रांति को एक नई दिशा देने का काम किया है। 1967 में 57 कोऑपरेटिव्स के साथ एक स्पेसिफाइड सोसाइटी बनी और वो बढ़ते 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 आज 36,000 से ज्यादा कोऑपरेटिव को मेंबर बनाकर लगभग 5.5 करोड़ किसानों को उसका लाभांश पहुंचा दी।